नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हनुमान जी की साधना, मैंने पिछले सप्ताह भी एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत शक्तिशाली एक साबर मंत्र दिया था सुरक्षा का। अद्भुत साधना होती है साबर मंत्रों में। हनुमान जी की साधना बहुत अद्भुत होती है। क्यों होती है बहुत अद्भुत? क्योंकि कलयुग में हनुमान जी विचरते हैं भैरव बाबा की तरह। जो 10 अमर हैं, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से बहुत लोग 9 बोलते हैं, बहुत 11 बोलते हैं, उसमें एक हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी के लिए बहुत सारे साबर मंत्र हैं, और ऐसे ऐसे साबर मंत्र हैं जो कि ईश्वर के मुख से दिए गए हैं। हनुमान जी की साधना हम मुख्यतः सुरक्षा के लिए करते हैं, घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, तंत्र बाधा से सुरक्षा। हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं कि जिसकी साधना के बाद आप उनको वचनबद्ध नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए कि इस साधना को करके आप उनको वचनबद्ध करा के कुछ काम कराइएगा, तो ऐसा नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। आज मैं आपको हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखने की 2 साधनाएं बता रहा हूं। दोनों मंत्र में पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है? दोनों का विधान आपको बताऊंगा एक एक करके, और इन दोनों विधान को अगर आप सही सही कर लीजिएगा तो आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। एक विषय इसमें जो जानने लायक है वो ये है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, मतलब ब्रह्म के आचरण को रखने वाले हैं। तो आप सोचिएगा कि अघोर विद्या है तो अघोर के हिसाब से सब साधनाएं करें, तो इस मंत्र में ये नहीं हो सकता है। इस मंत्र में आपको बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? और जितने भी सात्विक साधना का जो भी तरीका है उसको आपको फॉलो करना है। इस साधना को आप लोग मंगलवार या शनिवार को शुरू कर सकते हैं। रोज आपको 11 माला जाप करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरे 120 दिन तक। आप इस साधना को हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं या किसी निर्जन स्थान पर जहां कोई ना हो वहां पर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित करें और वहां पर इस साधना को करेंगे। ये पहली साधना के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? मूर्ति पर सिंदूर लगाएंगे जो हनुमान जी पे लगती है, चमेली का तेल लगाएंगे और उसके बाद उनको वस्त्र देंगे। जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके आगे जनेऊ रखिएगा, खड़ाऊ रखिएगा, लाल लंगोट रखिएगा, लाल चंदन रखिएगा, 7 लड्डू रखिएगा, नारियल रखिएगा, पेड़ा, लाल ध्वज लगाइएगा और मौसमी का फल और कुछ कुछ चढ़ावा चढ़ाइएगा, ठीक है? ये पूरे 120 दिन तक करना है। मंत्र क्या है, मंत्र को सुनिए, बहुत आसान मंत्र है क्योंकि साबर ऐसे भी बोलचाल की भाषा में होता है। मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरी पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा फूरे मंत्र ईश्वर वाचा। फिर से सुनिए, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरी पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा फूरे मंत्र ईश्वर वाचा। ये पहली साधना है जिससे कि आपके सामने 120 दिन में हनुमान जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और एक बार जब हनुमान प्रत्यक्ष हो तो उनसे सिर्फ आशीर्वाद लीजिएगा, व्रत मांगना या फिर उनको वादा में बांधने की कोशिश मत करिएगा। दूसरी जो हनुमान जी की प्रत्यक्षीकरण साधना है ये सिर्फ 40 दिन की है। पिछला 120 दिन का था, ये सिर्फ 40 दिन का है। इसको भी आप किसी मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, और जो जो नियम मैंने पहले वाले मंत्र में बताए वो सब नियमों का पालन करना है। और इस साधना में हो सके कि आपको प्रत्यक्ष ना हो लेकिन किसी न किसी तरह से आपको प्रमाण मिलेगा कि हनुमान जी आपके पास आ गए हैं, ठीक है? उस समय जो भी मन में इच्छा हो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप उनको कहेंगे। फिर से बता रहा हूँ, हनुमान जी को वचनबद्ध नहीं करना है।
मंत्र क्या है? मंत्र है हनुमान जाग, किलकारी मार, तू हुकारे राम काज सवारे, और सिंदूर सीता मैया की, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए हनुमान तो राजा राम, सीता मैया की दुहाई, मंत्र साचा फूरे खुदाई। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र में पारसी शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत सारे में पीर बजरंगी बोला जाता है, तो पीर तो नाथों में भी शब्द आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो पूरा पूरे तरीके से जिसको सुनने से लगेगा वो मुसलमानी मंत्र है, लेकिन वो मुसलमानी होते नहीं है। वो जो मंत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से साबर होते हैं, जिस जगह पे उन मंत्रों का निर्माण हुआ है वो जो स्थान है वहां पर पारसी का प्रभाव होगा, इसलिए वैसे मंत्र बोले गए। समापन से पहले एक बार फिर ये मंत्र आपको सुनाता हूँ। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुकारे राम काज सवारे, और सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊ तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए हनुमाना तो राजा राम, सीता मैया की दुहाई, मंत्र साचा फूरे खुदाई। ये जो मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली दो मंत्र है, जिससे कि हनुमान जी प्रत्यक्ष होकर के आपके जो आपका जो विषय है और आपका जो भी मनोरथ है उसको पूरा करते हैं। हनुमान जी की साधना हमेशा एकांत में होती है। क्यों एकांत में होती है? क्योंकि जैसे बाकी जो शक्तियों का आप आवाहन करते हैं, तो मैंने बताया है कि हर शक्ति आपका एक्सटेंशन होता है, लेकिन हनुमान जी एक जीवित शक्ति है, जीवंत है, वो शून्य में लीन नहीं हुए हैं, वो इस लोक को त्याग के नहीं गए हैं, वो इसी लोक में है। इसीलिए जब भी इनकी साधना कीजिए, एकांत में कीजिए, तभी आपको इनके दर्शन होंगे। भीड़ भाड़ में, घर में अगर आप इनकी साधना करेंगे तो आपके दर्शन नहीं होंगे। एक बात और, ये साधना एकांत में करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जो साधक है, जो गृहस्थ साधक है, वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल, इस साधना को गृहस्थ साधक भी कर सकता है, और गृहस्थ साधकों के लिए भी ये साधना बहुत ही लाभकारी है। मैं अभी हनुमान जी की साधनाओं के बारे में बहुत सारी साधनाएं आप लोगों को दूंगा। जैसे हनुमान जी का एक मंत्र है, बहुत सारे लोगों को शत्रु का बहुत ज्यादा भय सताता है, तो जिनको शत्रु का भय सताता है उसके लिए मंत्र है। हनुमान जी का आकर्षण मंत्र भी होता है। तो हर सप्ताह मैं आप लोगों को एक एक हनुमान जी का मंत्र दूंगा, और इस हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध करके आप लोगों को बहुत लाभ होगा। हनुमान जी की साधनाओं को एक बार जब समाप्त करेंगे, फिर भैरव जी की साधनाएं मैं आपको एक एक करके दूंगा। वादानुसार इस सप्ताह मैं एक कानिफनाथ जी का बहुत ही बढ़िया साधना आप लोगों को देने वाला हूँ। जो साधक वर्ग है वो तैयार रहे, और जो साधना के लिए सामग्री रखते हैं उसको तैयार रखें, क्योंकि जो साधना दूंगा वो इस शनिवार से आप लोग कर सकते हैं नवरात्र तक, और इतने दिनों में वो साधना सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। महावीर हनुमान आप लोगों पर कृपा बरसाए रखें, श्री रामचंद्र और माता सीता आप पर आशीर्वाद बरसाए, ऐसे मेरी कामना है। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है, जैसे आसन, बंधन, भैरव, ये सब साधना जिनको सीखनी है, वो मेरे पेड बेसिक रूप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9421885885। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, वो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, rudranath@cm4 टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।